सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2020 के टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अपना जोरदार कमबैक कर लिया है। आपको बता दें कि इस सीजन के 18वें मुकाबले में पंजाब की टीम को 10 विकेट से हराकर एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी जीत का विबुल बजा दिया है। दोस्तों अपने लगातार 3 मुकाबलों में चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। सवाल तो यह तक उठने लगे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब कमबैक कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर इतने लंबे समय तक रही हो। यहाँ तक कि चेन्नई की टीम को तो कभी 8वें पायदान पर देखा ही नहीं गया था। यार दोस्तों इस 18वें मुकाबले की बात करी जाए तो टॉस जीतकर कप्तान केएल राहुल का पहले बल्लेबाजी का फैसला था। फैसला पूरी तरीके से उनकी टीम के हक में रहा क्योंकि बल्लेबाजी में उनकी शुरुआत ताबड़तोड़ थी। टीम के खिलाड़ी भले ही अपनी पारियों को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकामयाब रहे, लेकिन उन्होंने टीम के लिए तूफानी छोटी पारियां खेली थी। दूसरी तरफ क्रीज के एक छोर से केएल राहुल ने अपनी पारी को जमाए रखा और दोस्तों केएल राहुल ने 52 गेंदों का सामना करके 63 रन भी लगा दिए थे। अंक अग्रवाल ने अपनी पारी में 26 रन लगाए। इसके बाद निकोलस पूरन सिंह ने अपनी पारी में 33 रन लगाए थे। कुछ इसी तरीके से दोस्तों अंतिम पलों में तो रन नहीं मिल पाए, लेकिन पंजाब की टीम ने अपनी पारी में 178 रन बना लिए थे। चेन्नई की टीम को लक्ष्य मिला 179 रनों का। अब दोस्तों जो चेन्नई की टीम जिसकी बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि वह इस लक्ष्य को भी चेस कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि पिछले मुकाबलों में देखा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इससे भी कम का लक्ष्य मिला था, लेकिन वह उसे भी चेस करने में फेल हो गई थी। परंतु आज तो चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने जिस हिसाब से इस लक्ष्य को चेस किया उसे चेस तो कर ही लिया, लेकिन एक इतिहास भी रच दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी ने ही इस लक्ष्य को चेस कर डाला। शेन वॉटसन ने जहां अपनी पारी में 83 रन लगाए थे तो वहीं फाफ डुप्लेसिस ने 87 रन जड़ दिए थे। ताजुब की बात तो यह है कि दोनों खिलाड़ियों के पक्ष में 53-53 गेंदें आई थी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को फिर 10 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों आईपीएल 2020 में यह किसी टीम की पहली जीत होगी 10 विकेट से, और वह भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। तो हुआ ना यह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का जोरदार कमबैक। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब की टीम की लगातार एक और हार के बाद टीम के कप्तान केएल राहुल खासा निराश नजर आए। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद जब केएल राहुल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मौजूद थे तो उनके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। और आखिरकार केएल राहुल उदास हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल लगभग हर एक मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। सिर्फ इतने नहीं, उन्होंने टीम में बड़े बदलाव भी कर दिए। उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग छोड़कर फील्डिंग भी आजमा ली, साथ ही वह बल्लेबाजी में भी बड़ा स्कोर लगाने में सक्षम है। लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम जीत ही नहीं पा रही और अब तो पॉइंट्स टेबल में भी उनकी टीम 8वें पायदान पर आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि मैच हारने के बाद केएल राहुल ने अपनी टीम की हार के कारण बताते हुए कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी टीम की बल्लेबाजी बेहतरीन थी। अगर आप किसी टीम को दुबई जैसे मैदान में 189 रनों का लक्ष्य देते हैं तो वाकई में आपकी बल्लेबाजी बेहतरीन थी, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी खराब गेंदबाजी की रणनीति के चलते आज हम चेन्नई की टीम का एक भी विकेट नहीं ले पाए, और जो खिलाड़ी मैदान पर सेट हुए थे अगर आप उन्हें अंतिम गेंद तक नहीं तोड़ पाए हैं तो ऐसे में तो कमी आपकी गेंदबाजी में ही है। इस बार के आईपीएल के टूर्नामेंट में हमने कई बार बड़े स्कोर लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मुकाबलों को हार गए। मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम से मिली इस हार के बाद टीम के खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा काम करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगले मुकाबले को जीतकर हमारी टीम कमबैक करने वाली है। दोस्तों केएल राहुल ने इस हार का जिम्मेदार बताया अपनी टीम की गैर जिम्मेदाराना गेंदबाजी को, और दोस्तों यह सच भी तो है। अब जो कोई टीम 189 रन का टारगेट देती है कम से कम एक विकेट तो हासिल करती ही है, लेकिन पंजाब के केस में ऐसा नहीं हुआ जबकि टीम में मोहम्मद शमी जैसे बेहतरीन गेंदबाज भी हैं। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या केएल राहुल की वजह से टीम हारी है या फिर कोई और वजह है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।